नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको दर्शन करवाए थे तिरुअनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के। आज के वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं केरल के एक और प्रमुख मंदिर जिसका नाम है गुरुवायूर। यह विश्व प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर भगवान गुरुवायूरप्पन को समर्पित है, जो कि चार भुजाओं वाले विष्णु भगवान के रूप में यहाँ विराजे हैं और निरंतर अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। अपनी पवित्रता के लिए इसे भूलोक वैकुंठ यानी पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आज आपको इसी विश्व प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर के दर्शन करवाऊंगा मैं आपका मित्र ऋषिराज। अस्मिन् परात्मन ननु पात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णु। अपनी इस यात्रा के दूसरे पड़ाव में आज हम चलेंगे तिरुअनंतपुरम से त्रिशूर की ओर। त्रिशूर एक मुख्य रेल हेड है जहां से गुरुवायूर मंदिर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर की है। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी इस पुण्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। तिरुअनंतपुरम रेलवे स्टेशन से हम निकल पड़े हैं त्रिशूर की ओर, जो कि तिरुअनंतपुरम से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है और इस दूरी को तय करने में हमें लगभग 6 घंटे का समय लगेगा। लो जी, हम निकल पड़े हैं केरला एक्सप्रेस लेकर त्रिशूर की ओर। केरल का सुहावना मौसम देखकर बाय गॉड कभी कभी ईर्ष्या होती है कि कहां हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और कहां केरल, जहां पॉल्यूशन का नामो निशान ही नहीं है। यहां की सुंदर हरियाली और स्वच्छ वातावरण मन को मोह लेते हैं। ऐसे सुंदर नजारे देखते देखते कब त्रिशूर आ गया पता ही नहीं चला। और फाइनली हमने त्रिशूर से कैब ले ली है और हम बढ़ चले हैं अपने आज के गंतव्य गुरुवायूर। करीब 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए हैं गुरुवायूर मंदिर। रात्रि विश्राम के लिए हम यहां गुरुवायूर देवस्थानम के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। यहां रहने के लिए बुकिंग आप नीचे दी गई वेबसाइट पर लॉगिन करके कर सकते हैं। इसके अलावा देवस्थानम की वेबसाइट पर दर्शनों की बुकिंग भी कर सकते हैं। हमने अपने लिए श्री कोविल घी लैंप सेवा की बुकिंग की है। मंदिर में दर्शनों के लिए आप केवल निश्चित ड्रेस कोड के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। पुरुष सिर्फ धोती पहन सकते हैं और औरतें केवल परंपरागत वस्त्र ही धारण कर सकती हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसका जिक्र 14वीं शताब्दी के तमिल साहित्य कोक संदेशम में मिलता है, जिसमें इस स्थान को कुरुवायूर के नाम से संबोधित किया गया है। मंदिर में विराजे श्री कृष्ण का स्वरूप लगभग 5000 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि जब द्वारका नगरी डूब रही थी तो श्री कृष्ण ने गुरु बृहस्पति को समुद्र से उनकी वो मूर्ति निकालने का संदेश दिया और उस मूर्ति को किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करने को कहा। तब गुरु बृहस्पति ने उस मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया। इसी वजह से इस स्थान का नाम गुरु बृहस्पति के नाम पर गुरुवायूर रख दिया गया। मंदिर में प्रवेश सुबह 3 बजे से ही शुरू हो जाता है। मंदिर में विराजे कृष्ण भगवान की चार भुजाओं में उनका सुदर्शन चक्र, उनका शंख जिसका नाम पांचजन्य है, उनके हाथ में उनकी गदा जिसका नाम कुमोदकी है और गले में तुलसी माला धारण किए हुए दर्शाया गया है।
कई भक्त उनके लिए भिन्न भिन्न भेंट लेकर आते हैं। कोई केले लाता है तो कोई अन्न और कोई पुष्प। मंदिर परिसर में यहाँ एक तुला भार भी रखा गया है, जहाँ आप अपने वजन के बराबर दान देकर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। संध्या समय होने वाले दीप प्रज्वलन की शोभा देखने लायक होती है। पूरा मंदिर सुंदर दीपों की जगमगाहट से चमचमा उठता है। सुबह 7 बजे के आसपास कुछ हाथी ईश्वर की परिक्रमा करते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवस्थानम ने मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक एलिफेंट यार्ड भी बना रखा है, जहाँ 56 हाथियों की देखरेख की जाती है। ये हाथी कई बार कुछ भक्त भेंट में भी दे जाते हैं। हाथी जब मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो वो नजारा भी देखने लायक होता है। मुख्य मंदिर में भगवान अयप्पा का भी एक छोटा सा मंदिर है। दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन साथ ही भक्तों के आराम के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था देवस्थानम ट्रस्ट द्वारा की गई है। मंदिर के उत्तर की ओर स्थित इस तालाब को रुद्र तीर्थम कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व भगवान शिव इस तालाब के दक्षिणी तट पर स्नान करने आते थे। चूंकि शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है, इसलिए तालाब को रुद्र तीर्थम के नाम से भी जाना जाने लगा। गुरुवायूर मंदिर में वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये सबसे बड़ा उत्सव 10 दिनों तक चलता है और इसे फरवरी और मार्च महीने के मध्य मनाया जाता है। गुरुवायूर में रहने के लिए कई सारे होटल उपलब्ध हैं, साथ ही खाने की उत्तम व्यवस्था भी उपलब्ध है। पहले दिन रात को और अगले दिन सुबह 3 बजे दर्शनों के पश्चात भगवान को प्रणाम करने के बाद हमने अपनी यात्रा यहीं संपन्न कर दी। और अब हम निकल पड़े हैं गुरुवायूर मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर पर बने चवक्कड़ बीच पर। अगर आप गुरुवायूर जाएं, तो आप इस बीच पर भी जा सकते हैं, जहां कई सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।